में मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनको ये पता लगाना पड़ेगा कि हम अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो किस कानून के तहत हम हिंदुस्तान का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन हमारे जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है 370 के जरिए। उस हिंदुस्तान का आईन सह निश वाता तमिक हुकूक निश वाता 370 के जरिए कदम, और अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाती है, हिंदुस्तान के आईन की कसम खाती है, फिर हलफ उठाती तो हम हलफ कैसे उठाएंगे? फिर तो आपको दोबारा जम्मू कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा। भाई किन बुनियादों पे बनेगा, किन शर्तों पे बनेगा? फिर तो नई शर्तें होंगी, फिर तो नई नेगोशिएशन होगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं फिर से 1947 की तरह? क्या आप एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट को के साथ किन शर्तों पे हम मिलना भी चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे? क्योंकि शायद फिर दोबारा सोचना पड़ेगा हमें कि अगर आज आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे बिना शर्तों के? तो ये अरुण जेटली साहब को समझना चाहिए इस बात को, इस पे गौर करना चाहिए। ये कोई आसान बात नहीं है। 370 भी ऐसे है, हम उसको खत्म कर देंगे। 370 को खत्म करोगे तो जम्मू कश्मीर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये कि शायद एक दो साल पहले तक अमित शाह साहब ने भी खुद 35A का नहीं सुना होगा। यहाँ तो बहुत ही कम लोग 35A के बारे में जानते थे, जब तक कि मैंने खुद असेंबली में महबूबा मुफ्ती को इसके बारे में सवाल पूछा था कि इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कदम उठाने जा रहे हो, तब 35A जो है डिस्कशन का एक हिस्सा बना। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हम 70 साल से 35A को हटाने की बात कर रहे हैं, जब 70 साल पहले उन्होंने इसके बारे में सुना नहीं था तो हटाएंगे क्या? जहाँ तक हटाने की बात आ जाती है, हम हटाने देंगे नहीं। इस रियासत और इस रियासत के लोगों के साथ 1947 में वादा किया गया, उस वादे पे कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ 10 साल के लिए है या 20 साल के लिए है या 70 साल के लिए है। हमें ये कहा गया कि जब तक जम्मू कश्मीर की रियासत इस मुल्क का हिस्सा बने रहे तब तक इस रियासत को ये खसूसी दर्जा हासिल होगा। जिस दिन आप ये खसूसी दर्जा हटा देते हो, जाहिर सी बात है हमारा फिर इस मुल्क के साथ रिश्ता क्या रहता है? हमारा रिश्ता ही इस बुनियाद पर रहा। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि आप 35A और 370 को हटाने की बात तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको इलहाक पे भी बात करनी होगी। अगर आप इलहाक पे बात करने के लिए तैयार हो, आ जाइए मेज पे, हम बात करेंगे। देयर आर रूमर्स दैट मोर बैंस आर इन ऑफिंग आफ्टर जमात इस्लामी एज वेल एज जेके। आई डोंट कमेंट ऑन रूमर्स। सर, व्हाट्स योर पार्टी स्टैंड ऑन बैन ऑफ जमात इस्लामी एंड जेके? हमने पहले ही कहा, व्हेन योर पार्टी कम्स इन पावर तो आपका हम उन लोगों में से नहीं है जो लोगों को धोखे में रखे। महबूबा मुफ्ती ने बारामुल्ला में एक तकरीर में कहा कि अगर PDP की हुकूमत आएगी वो JKLF और जमात इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ है उसको उठा देगी। बैन रियासती हुकूमत ने नहीं लगाया है, बैन जो है मरकजी हुकूमत का लगा हुआ है। हमें मरकज को तैयार करना होगा इस बैन को उठाने के लिए। इसीलिए तो हम आज बीजेपी ने यहाँ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की चंद महीने पहले। उन लोगों से हमें होशियार रहना होगा। इंशाल्लाह मरकज की हुकूमत हम बदला देंगे और उसके बाद जो ये बैन लगा हुआ है, चाहे वो JKLF पे हो चाहे वो जमात इस्लामी पे हो, उसको उठाने का हम काम कर सकते हैं। ये रियासत की हुकूमत का लगा हुआ बैन नहीं है, और महबूबा मुफ्ती लाख कोशिश करें वो खुद इसको लगा नहीं सकती, क्योंकि हटा नहीं सकती, क्योंकि इसको लगाने वाले जो हैं उनको इस रियासत में महबूबा मुफ्ती ने खुद लाया। BJP को यहाँ हुकूमत बनाने के काबिल महबूबा मुफ्ती ने बनाया, तो आज मगरमच्छ के आंसुओं का कोई फायदा। आपने भी उन्हें सपोर्ट करने का कहा था सर। चलिए, आज हमें पार्लियामेंट की बात करनी है, और जैसे मैंने पहले कहा, इस इलेक्शन को एक मामूली इलेक्शन मत समझिए। आज हमारे ऊपर तरह तरह के हमले हो रहे हैं, तरह तरह की साजिशें रचाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी ताकतें निकली हुई हैं जम्मू कश्मीर के पहचान को बचाने के लिए। जैसे नासिर ने अभी अपनी तकरीर में कहा, कल की बात है कि अमित शाह साहब ने
किसी टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि 2030 तक हम जम्मू कश्मीर में से 35A को हटाने का काम करेंगे। इससे पहले मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, उन्होंने तक भी हमें धमकी दी कि 35A और 370 को हटाने का काम होगा। आज आप जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है, बेशक बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए, बेशक हमने शर्त रखी, हम मुफ्त में नहीं आए, हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई, हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने काटा, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। हम आप हमारा मुकाबला उन रियासतों के साथ कर रहे हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, मुझे उनका झंडा दिखाइए, है कहीं उनका झंडा, मुझे उनका अपना आईन दिखाइए, कहीं है उनका अपना आईन। अच्छा हमारी क्या खता अगर हमने मांग के आपसे कुछ लिया, मांग के लिया दोस्ती का हाथ